आज हम ब्रोकली स्टार्टर बनाने जा रहे हैं। ब्रोकली के हिस्से को हम कट कर लेंगे। ये बहुत ही डेलिकेट होती है और बहुत जल्दी मुरझा जाती है। इसके मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। आधा कटोरी भुना हुआ बेसन, हंकर्ड है आधा कटोरी, हाफ नींबू, अगर बड़ा है तो हाफ, छोटा है तो फुल, ब्लैक पेपर पाउडर, इलायची पाउडर, दो चिली और एक अदरक के टुकड़े का पेस्ट, 1/4 हल्दी, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, एक चम्मच ऑयल। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साइड में 5 मिनट के लिए रखते हैं। अब मैं बर्फ़ का पानी, उबलते हुए पानी में हम ब्रोकली को भी डालेंगे। थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, एक चुटकी शक्कर उसके कलर को बरकरार रखने के लिए। एक बार हम अच्छी तरह से स्टर कर लेते हैं। बॉइल हो रहा है, इसमें इस ब्रोकली को मैं डाल दूँ। बहुत डेलिकेट होती है, बस दो उबाल आने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। इसे मैं ब्लांच कर रही हूँ। अब एक एक करके मैं ब्रोकली को पानी में से निकाल रही हूँ। आप इसका कलर देखिए, हमें इमीडिएटली बर्फ़ के पानी में डाल देना है, जिससे इसकी कुकिंग रुक जाएगी और कलर अच्छा रहेगा। बहुत देर पानी में रहने से ये गल जाएगा। इस तरह से टॉवल नैपकिन के ऊपर मैं रख देती हूँ, इसी से कवर कर दूँगी और धीरे धीरे दबा के इसका सब पानी नैपकिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे धीरे से उठा के प्लेट में इस तरह से रख लेते हैं। अब ये बैटर को मैं लेती हूँ। अब मैं एक एक करके ब्रोकली के इस बैटर को इसके ऊपर कोट कर दूंगी। इसे हम साइड में रखते जाएंगे। दो पालक के पत्ते का भी यूज़ करूँगी, इसके लिए इनको भी ब्लांच करके मैंने रख दिया, और दो हरी मिर्च। ये केवल हमारी प्लेटिंग के लिए। ब्रोकली को ग्रिल कर लूँगी ऑयल। अब मैं एक एक करके इसे इस पर प्लेस करूँगी, जिससे अच्छी तरह से ये, मैं तंदूर में नहीं इसमें बना रही हूँ, इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। एक टमाटर को भी मैं ले रही हूँ इसके कलर को ब्रेक करने के लिए, ग्रीन कलर ही है सब, इसे भी मैं ग्रिलर में रखती हूँ। थोड़ा सा नीचे से पक जाए, फिर हम इस तरह से उसे पलट लेंगे, बहुत ही सावधानी से। अब मैं इन पत्तों को हाथ में लेके थोड़ा सा मेरीनेट लगा रही हूँ। ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, जिस तरह से हम अरबी के पत्तों का यूज़ करते हैं, ऐसे ही मैं एक एक करके इस पर रखूँगी। साइड से आधा चम्मच ऑयल वापस मैंने डाला है। पत्तों को भी इस तरह से हम इसे हम बराबर कोने पे रख देंगे कि नीचे का टॉप का हिस्सा भी बराबर। मैं हरी मिर्ची पे इस तरह से कोट करके इसे हम डालेंगे। प्लेटिंग की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पालक के पत्तों को रखूँगी, इसे एक एक करके यहाँ रखेंगे इसके ऊपर। मिर्ची को भी मैं इस तरह से रख लूँगी, उसके डॉट्स रख रही हूँ। ये हंकर्ड है, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए, धनिया। यह मेरा ब्रोकली का स्टार्टर बनके तैयार है।